हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश गुरु। मैं हूं भूमिराज सिंह। फ्रेंड्स, यूपी टेट प्राइमरी फर्स्ट पेपर इंग्लिश सेक्शन का सेकंड पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 16। कंप्लीट द फॉलोइंग। मैन इज़ बॉर्न अकॉर्डिंग टू एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो। फ्रेंड्स, ये 10th में चैप्टर है आपका, एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो के द्वारा लिखा हुआ। मैन इज़ बॉर्न अकॉर्डिंग टू एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो। लॉन्ग फेलो के अनुसार मनुष्य इस धरती पर पैदा हुआ है, तो किसके लिए? टू बी अप एंड डूइंग, यानी कि लगातार काम करते रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन रोड इट बिगेन टू रेन हैवीली। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, जब भी आगे नो सूनर डिड आता है तो दूसरा जो क्लोज है उसको हमेशा इस देन से जोड़ते हैं, टी एच ए एन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द करेक्ट फेमिनिन ऑफ रैम इज। रैम का करेक्ट स्त्रीलिंग क्या होगा? मतलब रैम, फ्रेंड्स इसको राम मत समझ लेना, आर स्मॉल बना, आर कैपिटल होता तो राम होता। और देखिएगा, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ए सीता, बी टो, सी ईव और डी फिली। तो फ्रेंड्स इसका सही होगा ईव। देखिए, रैम मीन्स होता है भेड़ा, भेड़ा जानते हैं ना, भेड़ को भेड़ा, तो ईव मीन्स होता है भेड़ी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ईव। और टो मीन्स आप जानते ही हैं, और फिली, फिली मीन्स होता है बछेड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक के बाद लिखा है फ्रेंड्स, इज द बेस्ट स्टोरी। तो यहाँ कहेंगे योर्स इज़ द बेस्ट स्टोरी। तो फ्रेंड्स, योर्स ये प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव केस है, जिसमें अपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं लगता, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। योर इज नहीं हो सकता, आपका इंडिपेंडेंट फॉर्म रहेगा, तो योर्स इज द बेस्ट स्टोरी, ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। फ्रेंड्स, यहाँ डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस दिया हुआ है, रवि सेड हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। रवि ने अपने मित्र से कहा है कठिन परिश्रम करो। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है वर्क हार्ड, वो इम्परेटिव है। तो यहाँ पर है ना, रवि अपने फ्रेंड को सलाह दे रहा है कठिन परिश्रम करने की, तो यहाँ सेड को हम चेंज कर लेंगे एडवाइज्ड में। तो फ्रेंड्स देखिए, चारों में से किसी केवल एक ही है जिसमें एडवाइज्ड आ रहा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित सेंटेंस में करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। सेंटेंस दिया है फ्रेंड्स, हर मदर टू अपॉन द ऑकेजन फेल्ट अ प्लीजिंग डिस्ट्रेस। फ्रेंड्स, इसमें वर्ड पकड़ना होता है आपको, प्लीजिंग डिस्ट्रेस। प्लीजिंग मीन्स होता है सुखद, डिस्ट्रेस्ड मीन्स होता है, डिस्ट्रेस मीन्स होता है दुख। तो यहाँ पर दो वर्ड हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, सुखद दुखद। जब दो शब्द एक दूसरे के अपोजिशन में लगे होते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ होता है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिविन वर्ड। यहाँ पर यह वर्ड दिया हुआ है फ्रेंड्स, फ्रेलिटी। फ्रेलिटी मीन्स होता है कमजोरी, और इसका पूछा है अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। तो फ्रेल्टी मीन्स कमजोरी, इसका दूसरा हो जाएगा स्ट्रेंथ, अपोजिट, ठीक है ना। स्ट्रेंथ मीन्स होती ताकत, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, डाइडेक्टिक पोइट्री मीन्स। डाइडेक्टिक पोइट्री का मतलब क्या होता है? डाइडेक्टिक मीन्स फ्रेंड्स पहले समझिए, डिडेक्टिक का मतलब होता है शिक्षात्मक, यानी कि जो शिक्षा दे। तो शिक्षात्मक जो पोइट्री है उसका मीन्स क्या होता है? वह पोइट्री जो हमें टीच करे, तो पोइट्री विच टीचेज। फ्रेंड्स सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की सूटेबल, उपयुक्त यानी कि उचित फॉर्म आपको फिल करनी है, आइदर मुन्नी और चुन्नी। यहाँ पर दो नाउन जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, मुन्नी और चुन्नी। किससे जुड़े हैं? आइदर और से। आपको याद ये रखना है, जब दो नाउन आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा बाद वाले नाउन के अनुसार, यानी कि चुन्नी के अनुसार लगाएंगे, और चुन्नी के अनुसार लगाएंगे फ्रेंड्स, तो चुन्नी के अनुसार आएगा
देखो इसमें सिंगुलर कौन सा है चारों में, चुन्नी एक वचन है तो हैज आ जाएगा। देखें हैव आ नहीं सकता, हैड पास्ट में नहीं होगा, तो हैज इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, हैज लॉस्ट हर पेन। नेक्स्ट 25 है, पॉइंट आउट द वर्ड दैट हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड इन दिस सेंटेंस। फ्रेंड्स नीचे ये सेंटेंस दिया है, इसमें कौन सा वर्ड है जो गलत प्रयोग हुआ है। तो सेंटेंस देखें फ्रेंड्स, पहले इफ़ यू लॉस योर पासपोर्ट इन अ फॉरेन कंट्री, यदि आप विदेश में अपना पासपोर्ट खो देते हैं तो इट विल इफेक्ट यू बैडली। तो फ्रेंड्स आपको देखना है, इफेक्ट का मतलब होता है चालू करना, जबकि यहाँ वर्ड होना चाहिए था अफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर गलत वर्ड लगा हुआ है इफेक्ट, या अगर यहाँ हम अफेक्ट लिख देंगे ना, AFFECT, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना और इफेक्ट मीन्स होता है चालू करना, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इससे पहले का पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो 1 to 15 क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जाके, इसका पार्ट फर्स्ट दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, पोइट्री टीचिंग शुड बी बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ। पोइट्री यानी कि काव्य शिक्षण का मुख्य रूप से क्या उद्देश्य होता है, तो पोइट्री फ्रेंड्स हमें एंटरटेन कराती है, यानी कि इसमें चारों ऑप्शन के अनुसार देखिए, सैडनेस, जॉय, क्राई, एंगर, तो फ्रेंड्स पोइट्री से हमें जॉय मिलता है, खुशी मिलती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जॉय। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। फ्रेंड्स पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था, प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था LSRW, ठीक है ना फ्रेंड्स। एल स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, एस स्पीकिंग, आर रीडिंग एंड डब्ल्यू राइटिंग। तो यहाँ पर ये चार स्किल्स होती हैं, इसमें दो रिसेप्टिव हैं और दो प्रोडक्टिव हैं। तो रिसेप्टिव स्किल वो होती हैं जिन्हें हम रिसीव करते हैं, यानी कि दूसरों से हम प्राप्त करते हैं, और प्रोडक्टिव वो होती है जो हम बाहर लाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो लिसन करते हैं आप तो क्या होता है, लिसन कर रहे हैं तो आप रिसीव ही तो कर रहे हैं, तो ये रिसीविंग हो गई, रिसेप्टिव हो गई, और स्पीकिंग कर रहे हैं तो ये प्रोडक्टिव हो गई, ठीक है ना। और आर रीडिंग कर रहे हैं तो ये रीड कर रहे हैं, तो आप अपने मन में ही तो समझ रहे हैं, तो ये आपका रिसेप्टिव स्किल हो गई। और डब्ल्यू यानी कि राइटिंग, जब आप राइटिंग कर रहे हैं तो दूसरा भी आपके लिखे हुए को पढ़ पा रहा है, देख ले रहा है, तो ये प्रोडक्टिव हो गई। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा इन चारों में कौन सा प्रोडक्टिव स्किल है। तो पहला तो देखो ऊपर मैंने बना दिया है, एक तो PA हो गया और दूसरा PE हो गया, तो ये प्रोडक्टिव है, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिव में दो हो गई, कौन कौन सी, S और W। S का मतलब हो गया स्पीकिंग और W का मतलब हो गया राइटिंग। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें स्पीकिंग राइटिंग कोई ऑप्शन है, यस बी ऑप्शन है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ। लिंग्विस्टिक का मतलब फ्रेंड्स भाषा से होता है, यानी कि लिंग्विस्टिक किसका अध्ययन, यानी कि लिंग्विस्टिक्स को हम कहते हैं भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान, यानी कि लिंग्विस्टिक को क्या बोलते हैं, भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान। तो ये भाषा विज्ञान किसका अध्ययन करता है फ्रेंड्स, मानवीय भाषा का, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज का, तो डी ऑप्शन सही हो गया, ह्यूमन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिस्लेक्सिया। फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि ये विकार होते हैं जो स्टडी में उनके ऊपर, डिस्लेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, तो फ्रेंड्स इनके बारे में आपको पता नहीं हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कि बहुत शॉर्ट 3 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख लेना। डिसलेक्सिया फ्रेंड्स जो पढ़ने में गलतियां करता है उससे संबंधित होती है, तो डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन, तो किस में परेशानी आती है जिससे डिसलेक्सिया बीमारी का विकार दिखता है, तो जो रीडिंग में मिस्टेक करे, ठीक है ना, जो पठन विकार हिंदी में कहते हैं, जो पढ़ने में गलतियाँ करता है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, द पर्पज़ ऑफ रैपिड रीडिंग इज। फ्रेंड्स रैपिड रीडिंग का मतलब होता है, रैपिड मीन्स होता है जल्दी जल्दी, रीडिंग मीन्स पठन करना, पढ़ना। तो रैपिड रीडिंग में सिर्फ हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम उसमें जो स्पेसिफिक डिटेल है उसको पता करें। तो आप भी फ्रेंड्स जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कोई बताए कि आपके बारे में न्यूज़ निकली है, तो आप फ्रेंड्स रीडिंग जल्दी जल्दी करते हैं, सिर्फ आप अपना क्या देखते हैं, आपका जो विशिष्ट उद्देश्य है सिर्फ उसी डिटेल को आप तेजी से ढूंढते हैं, तो रैपिड रीडिंग का आपका मतलब होगा स्पेसिफिक डिटेल, तो आपका सही आंसर हो गया बी। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।